सबसे पहले तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज का टॉपिक हम जो लेकर आए हैं वो है शीर्षासन, और इंग्लिश में कहें तो हेड स्टैंड। तो आज हम हेड स्टैंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हरिओम सभी को, और स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस हेड स्टैंड की, यानी शीर्षासन की। तो सबसे पहले हम अपने मैट पर आ जाएंगे। लेग्स को हमने कर लिया सीधा, वन बाय वन हम लेग्स को बेंड करेंगे, यानी अपनी घुटनों को मोड़ेंगे, आएंगे कैट एंड काउ पोज में। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने फोर आर्म्स यानी कि जो हमारे हैंड्स है उसे पावरफुल बनाने के लिए एक एक्सरसाइज करनी है, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में डॉल्फिन या फिर हाफ प्लैंक। या फिर इससे क्या होता है, इससे हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, इसमें स्ट्रेंथ आती है। सबसे पहले हम इसमें होल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, जितना भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको होल्ड रखना है और उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपकी फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। और जो सबसे पहले सबसे मेन बात जो है, इसमें हमें सिर को अपने हथेले को आगे रखना है, ना कि हथेले के ऊपर ना। अब हम कर लेंगे अपने पैरों को सीधा माउंटेन पोजिशन में, वन बाय वन हम इसको पैडलिंग करेंगे, आप पैडलिंग भी इसे कह सकते हैं। यानी कि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है हमारे नीज़ को हमारे चेस्ट पर लगाना, यानी कि हमारी थाइस को हमारे चेस्ट पर लगाना। अब हम यहाँ होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए स्लोली, अनदर लेग के साथ हम ऐसा करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होएगा, हमारी बॉडी को पता चलेगा कि हमें अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आते हुए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा से आएंगे वॉल की साइड। सो यहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने फीट्स को लगा लेंगे दीवार पर, देन उसके बाद अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हेड को रखेंगे पाम्स के आगे। नाउ स्ट्रेट कर लेंगे अपने लेग्स। अब स्लोली हमें क्या करना है, दोबारा से अपना वन लेग, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपनी एल्बोस को ज़्यादा ना खोले, यानी कि अपनी कोहनियों को ज़्यादा ना खोले, कोहनियों को अंदर की तरफ ही रखे। अब हमें वन बाय वन वॉक करनी है वॉल के ऊपर, जैसे देखिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, वन बाय वन स्लोली, एक पैर ऊपर और दूसरा पैर ऊपर। आप चाहे तो इसमें घुटने मोड़ भी सकते हैं अगर आपको डर लगे तो। उसके बाद ये कुछ होगा इस तरीके से, जैसे देखिए नीज बैंड है, आप लेग स्ट्रेट कर लीजिए, यानी कि आपको एक 90 बनाना है वॉल के साथ, वॉल के सपोर्ट से। तो हमने बैंड कर लिए हैं, जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगे तो वो अपने घुटनों को बैंड कर सकते हैं, और धीरे से नीचे आ जाएं और आराम से पहले अपने नेक को और अपने हेड को रिलैक्स करें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे आप, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अब दोबारा से हम आएंगे इसी पोजीशन में, इंटरलॉक कर लेंगे अपनी फिंगर्स को, हेड रखेंगे हथेलियों के सामने, स्लोली लेग को करेंगे दोबारा से अपसाइड। अब हमें क्या करना है, वॉक करनी है वॉल पे वन बाय वन। आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी हाइट तक जाएं, आप नीचे भी रह सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो हमें स्लोली स्लोली वॉक करनी है, हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और धीरे जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं हमें ऐसा ही वॉल पे करना है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एक बैलेंस मिलेगा, हमारी बॉडी बैलेंस करना खुद सीख जाएगी इसे करते करते। बस आपको अपने एल्बोस में पावर रखनी है। ओके, अब हम दोबारा से थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी नेक को थोड़ा रिलैक्स भी रखना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारी नेक में पेन भी हो सकता है। तो हम बीच बीच में रिलैक्स कर रहे हैं नॉर्मल करने के लिए। दोबारा से आएंगे पोजीशन में, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही माउंटेन बनाना है, देन उसके बाद एक 90 बनाएंगे वॉल के साथ। अब वन बाय वन हमें क्या करना है, अपने लेग्स को अप करना है, वन लाइक टू। सो हमें इसी तरीके से अपने पैरों को वन बाय वन ऊपर लाना है, जिससे कि क्या होगा, हमारी बॉडी को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें हेड स्टैंड करना किस तरह है और पोजीशन उसकी क्या रहेगी। तो इससे आपकी बॉडी को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि हेड स्टैंड कैसे करना है। अब यहाँ पे हम पहले वन लेग से होल्ड करेंगे, देन चेंज करके सेकंड लेग को ले जाएंगे, देन होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें दोनों तरफ पता चल जाएगा कि हमें कैसे बैलेंस करना है हेड स्टैंड में। और हम स्लोली अब दोबारा से वापसी आ जाएंगे अपनी पोजिशन में, एंड देन रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, सो बॉडी को रिलैक्स ज़रूर दे बीच में। ओके, ना हमें क्या करना है, हमें थोड़ा पीछे जाना है वॉल की तरफ, अपने फीट्स को पूरा दीवार से लगा लेना है,
देन दोबारा से हेड स्टैंड की पोजीशन में आना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीज को बेंड कर लेंगे और एक नी को हमें लगाना है चेस्ट पे और एक लेग रहेगा स्ट्रेट। इससे हमें विदाउट वॉल के सपोर्ट से कैसे करना है ये पता चलेगा। तो वन बाय वन हमें नीज को बेंड करके चेस्ट पे लगाना है और एक लेग रहेगा हमारा स्ट्रेट, और धीरे से अपने जो स्ट्रेट लेग है उसे चढ़ाएं ऊपर लेके जाएंगे दीवार पे। इससे क्या होगा, हमें धीरे धीरे बैलेंस करना आएगा। अब हम दोनों पैर को ऊपर ले जाएंगे और दोनों नीज को लगाएंगे चेस्ट पे, और अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे दीवार से अपने पैरों को हटाना सीखना है। सो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट में वॉल का लेना है, बाकी हमें अपने आप से बैलेंस करना है। सो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, धीरे धीरे बस वॉल से सपोर्ट ले रहा हूँ। जहाँ मुझे लगे है मेरी बॉडी गिर रही है तभी मैं उससे सपोर्ट लूँगा, वरना मैं सपोर्ट नहीं लूँगा। और देखिए आप जितना नीज को अपनी थाइस को क्लोज लाएंगे अपने स्टमक के अपने चेस्ट के, उतना ही आप अच्छे से बैलेंस करें। फिर धीरे धीरे से एक पैर को ऊपर ले जाएं, और जब आपको लगे आपका बैलेंस बन चुका है तो दूसरा पैर भी आप ऊपर ले जाइए, और इस तरीके से कुछ आपका हेड स्टैंड या शीर्षासन हो जाएगा। और यहाँ जाने के बाद आपको अपनी बॉडी को जितना स्टेबल हो सके उतना स्टेबल रखना है। आप जितना स्टेबल रहेंगे हेड स्टैंड उतना ही अच्छा होगा। अब हम धीरे धीरे वापसी आ जाएंगे दोबारा से, और दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएंगे और सिंपली रिलैक्स करेंगे दोबारा इसी पोजीशन में आकर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रिक, यानी ये पहला मेथड है शीर्षासन करने का जो हम बिगिनर्स के साथ करते हैं, यानी जो बिगनिंग में जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं शीर्षासन की वो यहाँ से कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे। तो आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है द सेकेंड मेथड। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये आप तभी करें जब आप पहला मेथड को कंप्लीट कर लें। तो दोबारा से आएंगे हम, इंटरलॉक करेंगे अपने हेड को, रखेंगे हथेली पे आगे, लेग्स करेंगे स्ट्रेट। अब अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें एक लेग रखना है स्ट्रेट और एक लेग रखना है हमें ऊपर की साइड बेंड करके, और जिस पैर से आपको प्रेशर देना है उससे आप नीचे रखेंगे। तो देखिए प्रेशर को इस तरीके से देना है, जैसे आपको दिख रहा होगा मेरा लेफ्ट लेग है इससे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, और जो मेरा राइट लेग है वो वॉल पे लग रहा है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से करना है, इससे आपको गिरने का डर बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए मैं प्रेशर को इस तरीके से दे रहा हूँ, इससे आपकी एक रिदम सी बन जाएगी जिससे आप आसानी से शीर्षासन में जा सकते हैं। देखिए 1 and 2, 3 and 4। सो ये आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ये आपको एक बैलेंस सिखाता है कि आपको शीर्षासन में कैसे जाना है। तो आप देखिए हमें क्या करना है दोबारा से, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दोनों पैरों को एक साथ लेके चले जाना है और यहाँ वॉल के सपोर्ट से शीर्षासन करना है। अभी हमें वॉल के सपोर्ट से करना है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन पैडलिंग करेंगे। तो पैडलिंग कुछ इस तरीके से करनी है, हमारा एक लेग रहेगा हमारा वॉल पे, दूसरा रहेगा हवा में यानी शीर्षासन की पोजीशन में। तो इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी है उसको एक कह सकते हैं कि अंदाज़ा होने लग जाएगा कि शीर्षासन कुछ इस तरीके से करना है। देखिए आप स्लोली हम वॉल से हटेंगे पैरों को और कोशिश करेंगे कि हाँ कि हम कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं वहाँ अपने पैर को वॉल पे ले जाइए, तो आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, इसमें कोई भी डर नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो कोहनियाँ हैं जो एल्बोज हैं वो ज़्यादा ओपन नहीं होनी चाहिए, वो क्लोज रहनी चाहिए शोल्डर अकॉर्डिंग, यानी शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एल्बोज को ओपन करना है। तो इस तरीके से शीर्षासन करते हैं। तो दोबारा से वापसी आ जाएंगे और रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारी नेक और शोल्डर्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तब हम आ जाएंगे वज्रासन में, और सबसे पहले हमें करनी है नेक एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा सारा प्रेशर नेक पे पड़ता है तो हमें इसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी हमारी नेक से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, और जिन्हें मेनली जिन्हें सर्वाइकल हो, तो वो अपनी गर्दन बिल्कुल भी नीचे की तरफ ना लाएं, सेंटर से पीछे की तरफ ही ले जाएं खाली, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। इस तरीके से आपको करना है, ये मेनली सर्वाइकल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए नीचे गर्दन को झुकाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और हाफ़ रोटेशन जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, हाफ़ रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें अपनी गर्दन को नीचे नहीं लाना है। तो हम अपने गर्दन को कर लेंगे रिलैक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इसमें गर्दन पे ही पड़ता है, हमारे सर्वाइकल एरिया पे। तो लेग्स को कर लेंगे स्ट्रेट, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे अपनी बॉडी को। देन अब आ जाएंगे हम अपने किसी भी सिटिंग पोस्चर में, पद्मासन, सुखासन, अर्थ पद्मासन। रिलैक्स कर लेंगे बॉडी को, लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो हरिओम,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और ध्यान रखें अपना।